जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। दोस्तों आपने ये गाना जरूर सुना होगा, ये गाना था मेरा नाम जोकर फिल्म से, और इस फिल्म के अंदर एक जोकर हुआ करता था जो सर्कस में काम किया करता था। आज से कुछ सालों पहले तक सर्कस हमारे एंटरटेनमेंट का एक जरिया हुआ करता था, लेकिन दोस्तों आज के टाइम में सर्कस है कहाँ पे? अगर आप 80s के या फिर 90s के किड हैं तो आपने कभी ना कभी सर्कस जरूर देखा होगा, और आपको ये चीज भी याद होगा जब आप सर्कस देखने गए होंगे तो वहां पे लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ थी, और उसके बाद में जब आपने एंट्री मारी तो वहां पे आपको जोकर की मस्ती देखने को मिली होगी, रिंग मास्टर का शेर के साथ करतब देखने को मिला होगा, इसके अलावा मैजिक शो देखने को मिला होगा, इसके अलावा और भी बहुत सारे डेंजरस जो भी स्टंट्स होते थे वो भी देखने को मिले होंगे। लेकिन दोस्तों आज के टाइम में सैड पार्ट ये है कि हमको सर्कस ही देखने को नहीं मिलता। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, एक टाइम था हमारे देश के अंदर 330 से भी ज्यादा ऐसी कंपनीज थी जो सर्कस चलाया करती थी, लेकिन ये जो फिगर था 2014 के अंदर सिर्फ 30 रह गया, और आज के टाइम में मुश्किल से 7 ऐसी कंपनीज हैं जो सर्कस को चलाती है, और शायद आने वाले टाइम में हमको ये 7 कंपनीज भी देखने को नहीं मिलने वाली। सो दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि ये जो सर्कस है बर्बादी की कगार पे आके खड़ा है, जानेंगे आज के वीडियो में। तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रजनीकांत शर्मा, और आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सर्कस बर्बाद क्यों हो रहे हैं। सो दोस्तों इस वीडियो को हम टोटली 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला कि जो सर्कस था वो इंटरनेशनल लेवल पे कब से आना शुरू हुआ, उसके बाद में जो दूसरा पार्ट होगा उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि इंडिया के अंदर सर्कस की शुरुआत किसने की और कब से ये फैलने लगा, और तीसरे पार्ट में हम बात करने वाले हैं कि सर्कस बर्बादी की कगार पे क्यों खड़ा है और क्या कारण थे जिसकी वजह से सर्कस बर्बाद होने वाला है। लेकिन दोस्तों हो सकता है इस वीडियो को देखने वाले कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता कि सर्कस एग्जैक्टली होता क्या था, तो मैं बता देता हूं। सर्कस चलती फिरती कंपनियां होती थी जो अलग अलग जगह पे जाके लोगों को एंटरटेन करने का काम करती थी। उसके अंदर जोकर होते थे, हाथी घोड़े होते थे, और बहुत सारे स्टंटमैन होते थे, मैजिक दिखाने वाले लोग होते थे, मतलब जो जादूगर होते हैं वो लोग होते थे। और दोस्तों हमारे देश के अंदर कुछ ऐसी सर्कस की कंपनियां थी जो बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, जिनमें से कुछ का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, जैसे कि द ग्रेट इंडियन सर्कस, ग्रैंड बॉम्बे सर्कस, ग्रेट रॉयल सर्कस और जेमिनी सर्कस। अब दोस्तों ये जो कंपनीज थी इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलते थे, जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर किसी को सर्कस ऑर्गेनाइज करना है तो वो इनसे कॉन्ट्रैक्ट करते थे, और उसके बाद में जो कंपनी होती थी वहां पे जाकर सर्कस करती थी, और जिसने भी सर्कस को ऑर्गेनाइज किया होगा वो इन कंपनीज को पैसे देते थे, और टिकट से जो भी पैसा मिलता था वो ऑर्गेनाइजर रखता था। तो इस तरीके से पूरा काम होता था। लेकिन आज के टाइम में सर्कस जो है वो बर्बादी की कगार पे आके खड़ा है। अगर आप देखेंगे तो कहीं पे भी या फिर बहुत ही कम जगह पे आपको सर्कस देखने को मिलते हैं। अब इसके रीजन क्या है वो भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये बात कर लेते हैं कि दुनिया के अंदर सर्कस की शुरुआत कहां से हुई और वो कौन सा आदमी था जिसने सर्कस की शुरुआत की थी। देखिए दोस्तों सर्कस की शुरुआत लंदन में हुई थी, वहां पे एक आदमी था जिसका नाम था फिलिप एस्ले, तो इसने सर्कस की शुरुआत की थी। अब शुरुआत कैसे की वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए इसका जन्म हुआ था 8 जनवरी 1742 में, और ये जब 9 साल का था तभी से अपने पापा को उसके बिजनेस में हेल्प किया करता था। इसके जो पापा थे उनका लकड़े का बिजनेस था, मतलब जो फर्नीचर वगैरह बनाते उसका बिजनेस था, लेकिन इसको अपने पापा के बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं था, इसका सपना कुछ और ही था। इसको हॉर्स राइडिंग बहुत ज्यादा पसंद थी, तो इसने क्या किया जब ये 17 साल का हुआ तो इसने कॉलोनियल इलॉइड्स 15th लाइट ड्रैगन को ज्वाइन कर लिया। अब इसे बोलने में मुझे इतनी तकलीफ हो रही है, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे ये एग्जैक्टली है क्या, तो उनके लिए मैं बता देता हूं। जो भी ब्रिटिश की सेना हुआ करती थी तो उसके अंदर घुड़सवारों की जो सेना होती थी उसका एक रेजिमेंट है जिसका नाम ये था, तो इसने इस रेजिमेंट को ज्वाइन कर लिया था, और यहां पे लगभग इसने 7 साल काम किया। जब ये इस रेजिमेंट में था तो इसको बहुत सारे ऐसे ऐसे घुड़सवार मिले जिससे इसने बहुत सारी ट्रिक सीखी, तो उसके बाद में ये भी बहुत अच्छा घुड़सवार बन गया, और जब भी ये घुड़सवारी किया करता था तो लोगों को अलग अलग ट्रिक दिखाता था जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती थी। तो उसके बाद में इसने सोचा कि जो भी ट्रिक मेरे पास है मुझे और भी लोगों को सिखाना चाहिए, तो उसके बाद में इसने क्या किया लंदन के अंदर एक हॉर्स राइडिंग की स्कूल ओपन कर दी जिसके अंदर एक्रोबेटिक राइडिंग स्किल भी सिखाई जाती थी। उसके बाद में दोस्तों 1768 में इसने क्या किया लंदन के अंदर एक खुले से ग्राउंड के अंदर एक्रोबेटिक राइडिंग स्किल का एक परफॉर्मेंस रखा, और वो परफॉर्मेंस लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया, तो उसके बाद में इसने सोचा कि मैं परफॉर्मेंस भी करता हूं और साथ ही साथ में मेरी स्कूल तो चल ही रही है तो दोनों तरीके से मुझे पैसे आएंगे। उसके बाद में ये सोचने लगा कि मैं अपने परफॉर्मेंस में और अच्छा क्या कर सकता हूं, तो इसके दिमाग में आइडिया आया अगर मैं एक जोकर को रखता हूं तो शायद वो लोगों को और भी ज्यादा एंटरटेन कर पाएगा। तो उसके बाद में जब नेक्स्ट टाइम इसने परफॉर्मेंस किया तो उसमें एक जोकर को भी शामिल किया, और उसके बाद में लोग बहुत ही ज्यादा एंटरटेन हो गए। उसके बाद में इसने अपने हर परफॉर्मेंस के अंदर जोकर को रखना शुरू किया, और देखते ही देखते लगभग साल भर के अंदर ये बहुत अमीर आदमी बन गया, क्योंकि ये 2 काम किया करता था, सुबह तो इसकी स्कूल चलती थी और आफ्टरनून में और शाम में इसके परफॉर्मेंस हुआ करते थे। उसके बाद में ये सोचने लगा कि मैं अपने परफॉर्मेंस में और ऐसा क्या करूं कि लोगों को और ज्यादा एंटरटेन कर पाऊं, तो उसके बाद में इसे धीरे धीरे करके सिंगर को ऐड करना शुरू किया,
और भी जो दूसरे हॉर्स राइडर थे उनको ऐड करना शुरू किया, फिर जगलर को ऐड किया, टम्बलर को ऐड किया जो रस्सियों के ऊपर चलते उनको ऐड किया, डांसिंग डॉग को ऐड करना शुरू किया और देखते देखते मॉडर्न सर्कस की शुरुआत हो गई। इसीलिए फिलिप्स एस्ले को मॉडर्न सर्कस का फादर भी कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे सर्कस की शुरुआत हुई थी। अब बात कर लेते हैं इंडिया के अंदर सर्कस की शुरुआत कैसे हुई। देखिए इंडिया के अंदर सर्कस की जो शुरुआत हुई थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हुई थी, क्योंकि एक आदमी ने चैलेंज दिया था, उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया गया और उसके बाद में इंडिया के अंदर सर्कस की शुरुआत होने लगी। तो चलिए दोस्तों उस स्टोरी के बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों हमारे देश के एक इंसान थे जिनका नाम था विष्णुपंत छात्रे। इनका जन्म 1840 में महाराष्ट्र के सांगली में हुआ था और इनके जो पिताजी थे उनका नाम था मोरेश्वर छात्रे, जो जामखंडी के महल में एज ए ट्रेजरर काम किया करते थे। तो ये जो विष्णुपंत छात्रे थे इनको बचपन से ही जानवर बहुत ज्यादा पसंद थे। तो जब थोड़े से बड़े हुए तो इन्होंने एक अस्तबल में काम करना शुरू कर दिया और उसके बाद में कुछ टाइम वहां पे काम करने के बाद में इनको किसी कारण से मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जाना पड़ा। वहां पर भी एक अस्तबल में ही काम कर रहे थे और वहां पर काम करते करते वहां के एक बहुत ही अच्छे घुड़सवार थे जिनका नाम था बाबा साहेब आप्टे, उनसे इन्होंने घुड़सवारी सीखी और भी जो दूसरी कलाबाजियां होती है वो भी सीखी। और साथ ही साथ में जब ये वहां पे थे तो इन्होंने क्लासिकल म्यूजिक भी सीखा और ये सीखा था इन्होंने उस्ताद हाथू खान से। उसके बाद में वो उसी अस्तबल में काम कर रहे थे, फिर उसके बाद में फिर से वो महाराष्ट्र के सांगली में आ गए और वहां पे अस्तबल में काम करने लगे। लेकिन उन्होंने जो जो चीजें सीखी थी वो सारी की सारी चीजें उन्होंने अपनी पत्नी को भी सिखाई जिनका नाम था अवधाबाई। उसके बाद में दोस्तों 1879 में गियोसेपे चेरनी इंडिया के अंदर अपने सर्कस को लेकर आया दौरा करने के लिए। उसके सर्कस का नाम था रॉयल इटालियन सर्कस और जब वो एक शो कर रहा था तो उससे पहले उसने कहा कि मेरे जैसा शो करने के लिए इंडिया के अंदर किसी भी इंसान को सदियां लगने वाली है। मैं चैलेंज करता हूं कि अगर कोई भी इंसान 6 महीने के अंदर मेरे जैसा या मुझसे अच्छा शो कर सकता है तो उसको मैं 1000 रुपए दूंगा और साथ ही साथ में घोड़ा भी गिफ्ट करूंगा। तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया विष्णुपंत छात्रे ने और उसके बाद में अगले 6 महीने तक उसने बहुत ज्यादा मेहनत की अपनी पत्नी के साथ मिलकर। और 6 महीने के बाद जब वो शो करने आया तो उस टाइम पे वो आदमी था ही नहीं जिसने चैलेंज दिया था, पर दोस्तों शो बहुत ही अच्छा हुआ। उसके बाद में विष्णुपंत छात्रे ने सोचा कि मैं अपना खुद का सर्कस शुरू करता हूं। फिर उन्होंने सर्कस से रिलेटेड बहुत सारे इक्विपमेंट भी खरीदे और साथ ही साथ में अपने खुद के सर्कस की शुरुआत की जिसका नाम रखा ग्रेट इंडियन सर्कस। और इस सर्कस की शुरुआत करने के लिए वहां के जो राजा थे उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प की थी और उस टाइम पे सांगली के राजा हुआ करते थे बाला साहेब पटवर्धन। तो दोस्तों इस तरीके से इंडिया के अंदर सर्कस की शुरुआत हुई थी। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, विष्णुपंत छात्रे को इंडिया के अंदर फादर ऑफ सर्कस नहीं कहा जाता है। फादर ऑफ सर्कस जिसको कहा जाता है उसका नाम है किलेरी कुन्ही कनन। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे हैं इनको क्यों कहा जाता है, तो चलिए इसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों ये जो किलेरी थे वो मार्शल आर्ट और जिम्नास्टिक के टीचर थे। तो एक बार जब विष्णुपंत छात्रे केरला गए हुए थे अपनी टीम को लेकर सर्कस करने के लिए, तो उन्होंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमारी जो पूरी टीम है उनको आप जिम्नास्टिक सिखाइए। तो इन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और वहाँ पे उनको सिखाने लग गए। तो इनको भी सर्कस के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली। तो उसके बाद में इन्होंने अपनी खुद की एकेडमी ओपन की जिसके अंदर ये एक तो जिम्नास्टिक सिखाया करते थे और साथ ही साथ में एक्रोबैटिक भी सिखाया करते थे। और फिर दोस्तों इन्होंने 1901 के अंदर चिरापुरम के अंदर अपना खुद का सर्कस का स्कूल ओपन किया जिसके अंदर ट्रेनिंग प्रोवाइड किया करते थे और उस टाइम पे इंडिया के अंदर इसको कहा जाता था ऑल इंडिया सर्कस ट्रेनिंग हॉल। उसके 3 साल बाद इनकी एक स्टूडेंट ने अपनी खुद की सर्कस कंपनी खोली जिसका नाम था ग्रैंड मालाबार सर्कस। और उसके बाद में देखते ही देखते और भी सर्कस की कंपनियां ओपन होने लग गई जैसे कि द व्हाइट वे सर्कस, उसके बाद में द ग्रेट लायन सर्कस और ऐसी और भी बहुत सारी कंपनियां ओपन हो गई थी। इंडिया के अंदर जितनी भी कंपनियां थी उनमें से मैक्सिमम कंपनी केरला से ही थी क्योंकि दोस्तों यहीं पे स्कूल था, लोग यहां पे सीख सीख के कंपनियां ओपन किया करते थे। उसके बाद में 1939 में किलेरी की मृत्यु हो जाती है और इनकी जो लेगेसी होती है उसको संभालते हैं इनकी एक स्टूडेंट जिनका नाम था एमके रमन। उसके बाद में दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ केरला ने इनके हॉनर्स में थलासरी के अंदर एक सर्कस एकेडमी शुरू की थी 2010 के अंदर और उसके बाद में इनको इंडिया के अंदर सर्कस का फादर कहा जाने लगा। चलिए दोस्तों अब मैं आपको कुछ ऐसी सर्कस कंपनीज के बारे में बताता हूं जिनका नाम आपने जरूर सुना होगा और ये एक टाइम पे इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा फेमस हुआ करती थी। सबसे पहला ग्रेट बॉम्बे सर्कस। देखिए दोस्तों इस कंपनी की शुरुआत बाबूराव कदम ने की थी 1920 में। इनिशियली इस कंपनी का नाम था ग्रैंड बॉम्बे सर्कस लेकिन किलेरी के जो भांजे थे उन्होंने अपने सर्कस को इस सर्कस के साथ मर्ज कर दिया था और उसके बाद में इसका नाम रख दिया ग्रेट बॉम्बे सर्कस। ये एक बहुत बड़ी सर्कस की कंपनी थी जिसके अंदर 300 से ज्यादा परफॉर्मर थे और 60 से ज्यादा एनिमल थे। दूसरी कंपनी थी जेमिनी सर्कस। दोस्तों इसका नाम भी आपने जरूर सुना होगा। इसकी शुरुआत हुई थी 1951 में और एमवी शंकरन ने इसकी शुरुआत की थी जो एक्स आर्मी मैन थे और साथ ही साथ में एक्रोबैट्स के भी मास्टर थे। इसके अलावा दोस्तों ये जो जेमिनी सर्कस था ये इंडिया की पहली कंपनी थी
जो इंटरनेशनल सर्कस फेस्टिवल इन यूएसएसआर को अटेंड कर रही थी, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया के सर्कस को प्रेजेंट करने वाली ये सबसे पहली कंपनी थी। तीसरी कंपनी थी जंबो सर्कस। दोस्तों इसका नाम आपने जरूर सुना होगा, ये हमारे देश की शान थी। 1977 में इसकी शुरुआत बिहार में हुई थी और ये एक ऐसी कंपनी थी जिन्होंने रशियन परफॉर्मर को भी अपने सर्कस के अंदर इंक्लूड किया था। तो दोस्तों ऐसी 330 कंपनियां हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम में सिर्फ 7 कंपनी एग्जिस्ट करती है और आने वाले टाइम में शायद वो भी नहीं होंगी। तो दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि सर्कस बर्बाद होते गए, चलिए उनके कारण के बारे में बात कर लेते हैं। अब दोस्तों मैं आपको जो भी कारण बता रहा हूं, अगर उनमें से अगर आपको कोई भी ऐसा लगे कि ये कारण सबसे बेस्ट था तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। आपका जो भी रिस्पॉन्स होगा मुझे जान के अच्छा लगेगा, तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। सबसे पहला कारण, बिजनेस को सीक्रेट रखना। देखिए जितनी भी सर्कस कंपनियां थी वो अपने बिजनेस को बहुत ही सीक्रेटली ऑपरेट करती थी, जिसकी वजह से ये सर्कस का जो बिजनेस था बहुत ही सीमित लोगों के पास था। जो भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस थे या जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे वो कभी भी इस बिजनेस के अंदर आ ही नहीं पाए। अब दोस्तों अगर बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस या जो बिजनेसमैन थे वो इस बिजनेस के अंदर आते तो शायद आज भी सर्कस किसी ना किसी रूप में हमारे सामने जिंदा होता। दूसरा कारण, इंटेंसिव ट्रेनिंग फ्रॉम चाइल्डहुड। देखिए दोस्तों सर्कस के अंदर जितने भी कर्तव्य दिखाए जाते थे या जो जो एक्टिविटीज होती थी उनको सीखने के लिए किसी भी इंसान को बचपन से ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी, और सर्कस के अंदर काम करने वाले लोग क्या करते थे, अपने बच्चों को ट्रेन किया करते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड हायरिंग के ऊपर बैन लगा दिया था, जिसकी वजह से किसी भी चाइल्ड को हायर नहीं किया जा सकता था सर्कस की एक्टिविटीज के लिए। तो दोस्तों ये भी एक कारण बना। तीसरा कारण था एनिमल बैन। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा जो भी वाइल्ड एनिमल है उनको हम हमारे एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, तो उनके ऊपर भी बैन लगा दिया गया था। और दोस्तों आप खुद जानते होंगे सर्कस के अंदर एक बड़ा रोल प्ले करते थे जो भी वाइल्ड एनिमल होते थे, जैसे कि शेर हो गए, हाथी हो गए, घोड़े हो गए, ये सारे बहुत बड़ा रोल प्ले किया करते थे। अगर सर्कस के अंदर यही नहीं होंगे तो लोगों को मजा नहीं आएगा, इसलिए जब से इनके ऊपर बैन लग गया उसके बाद में सर्कस के अंदर इनका इस्तेमाल नहीं किया जाने लगा और लोगों को उतना ज्यादा मजा नहीं आ रहा था। चौथा और सबसे बड़ा रीजन था टेलीविजन। दोस्तों जैसे जैसे इंडियन मार्केट के अंदर टेलीविजन पेनेट्रेट कर रहा था वैसे वैसे सर्कस लोगों के मन से दूर जाते जा रहा था, क्योंकि दोस्तों लोग सर्कस इसलिए जाते थे ताकि वो एंटरटेन हो सके, लेकिन जब से टेलीविजन आ गया तो उनके एंटरटेनमेंट का जरिया उनके सामने ही पड़ा है तो लोग बाहर क्यों जाएंगे। तो लोगों ने धीरे धीरे बाहर जाना बंद कर दिया, टीवी के ऊपर ही उनका जो भी एंटरटेनमेंट था सारा कुछ हो जाता था तो उनको सर्कस जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, इसीलिए सर्कस के अंदर भीड़ कम होने लगी। और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि जो सर्कस की कंपनियां होती थी इनको ऑर्गेनाइजर इन्वाइट करते थे कि हमारे यहां पे आइए, हमने एक शो ऑर्गेनाइज किया है, यहां पे शो कीजिए, इसके लिए हम आपको इतने पैसे देंगे। तो जो ऑर्गेनाइजर होते थे उनको टिकट से पैसे मिलते थे। अब दोस्तों मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजर ने शो ऑर्गेनाइज किया है लेकिन वहां पे पब्लिक जाएगी नहीं तो ऑर्गेनाइजर को लॉस हो जाएगा। अब ऑर्गेनाइजर को एक बार लॉस होगा, दो बार लॉस होगा, तीसरी बार से वो शो करवाएगा ही नहीं, तो ऐसे में क्या होगा, कंपनीज को भी पैसे नहीं मिलेंगे। जब कंपनीज को पैसे नहीं मिलेंगे तो उनके अंदर काम करने वाले जो लोग होंगे, जो भी जोकर होंगे या जो अलग अलग लोग थे, उनको भी पैसे नहीं मिल पाएंगे, तो कंपनी भी कुछ टाइम सर्वाइव कर पाएगी, उसके बाद में उनको करना पड़ेगा। तो यही रीजन बना जो 330 कंपनियां थी उनमें से आज के टाइम में सिर्फ 7 कंपनी सरवाइव कर रही है और शायद आने वाले टाइम में ये कंपनी भी सरवाइव नहीं करेगी, क्योंकि इनको इतना काम ही नहीं मिल पाता कि अपने एम्प्लॉइज की प्रॉपरली सैलरी दे पाए। अब दोस्तों इन चारों कारण में से कौन सा कारण आपको सबसे जेन्युइन लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक नई कहानी के साथ।